सिंगरौली जिले की गोरबी चौकी प्रभारी संदीप नामदेव द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही। बता दें कि सिंगरौली एनसीएल मुख्यालय के अंतर्गत गोरबी ब्लॉक बी परियोजना में एनसीएल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जा रही थी। इस दौरान एनसीएल ब्लॉक बी खदान से एक्सप्लोसिव वैन तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाते हुए चालक उमेश साकेत निवासी मेहदेया द्वारा वहां खड़े पंकज शर्मा निवासी रामपुरवा को टक्कर मार दी, जिसमें गोरबी चौकी प्रभारी संदीप नामदेव द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पर धारा 279-337 आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी चालक उमेश साकेत निवासी मेहदेया द्वारा पंकज शर्मा को टक्कर मारकर मौके से वैन लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि एक्सप्लोजिव ले जाने वाली वैन को प्राइवेट चालक चला रहा था, जिसे इस वाहन को चलाने की पात्रता नहीं थी। साथ ही उस वाहन में रहने वाले अधिकारी सुरक्षाकर्मी भी वाहन में मौजूद नहीं थे। इस बात को लेकर एनसीएल गोरबी ब्लॉक बी परियोजना के अधिकारियों पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस चौकी गोरबी में 8/1/2020 को पंकज शर्मा नामक व्यक्ति ने FIR दर्ज कराई है कि उस दिनांक को हड़ताल थी, जहां गोरबी बी ब्लॉक से एक एक्सप्लोसिव वैन जिसे उमेश साकेत नामक व्यक्ति चला रहा था, वह काफ़ी तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक चलाते थे। उन्हें जो टक्कर मारा, रोकने का प्रयास किए वहां उपस्थित लोगों ने, वो नहीं रुका, भाग गया। जिस संबंध में थाना गोरबी चौकी थाना मरवा में धारा 279-337 का मुकदमा जो कायम है, विवेचना चल रही है। विस्फोटक के संबंध में भी जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।